वेलकम बैक टू अवर चैनल सिस्टम मनी ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी मस्त हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जिम से और हम दोनों ही जिम आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं जिम बिल्कुल खाली है और ये अपना वार्म अप कर रहे हैं। जिम खाली क्यों है? हाँ जी, तो आप बताएंगे जिम खाली क्यों है? सैटरडे लोग स्किप करते थे। हाँ, लेकिन इन्होंने कली कर ली थी, मैंने भी कली कर ली थी, तो बस आज हम मिक्स करने वाले हैं और ये थोड़ा बहुत एप्स का वर्कआउट करेंगे और काफ़ी मज़ा आ रहा है जिम करने में। तो हम सोच रहे थे जिम का ब्लॉग थोड़ा थोड़ा ही बनाएंगे, अभी थोड़ा रिजल्ट आ जाए उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज का वर्कआउट करते हैं शुरू। दोस्तों, पिंको कर रही है वार्म अप। सबसे पहले आपको फुल बॉडी वार्म अप करना है, ठीक है? और इसका आपकी जो गला वाला पार्ट है, जो आगे का जो हमारी गर्दन है, उसकी इसको तीन सेट कर सकते हो 20-20-20 और इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। उसकी मसल भी स्ट्रांग होती है ऐसे करने से ना, और ये जो डबल चिन फैट होता है आपका बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाएगा। तो मैं तो रोज करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी मसल की और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी रोज आपको करनी है। स्ट्रेंथ के लिए आप और अच्छा, अगर आपको करना है तो लेट में एक्सरसाइज बताऊंगा आपको, वो बहुत अच्छी है, उससे आपकी गर्दन की एक्सरसाइज बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि बिल्कुल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अभी हम आ रहे हैं पुशअप्स। यार, मैंने आज तक बहुत ट्राई किया लेकिन मेरे से कभी भी नहीं लगे। हाँ, पुशअप्स मार लेती थी बट, तो ये तो मार रहे हैं बढ़िया से। तो दोस्तों, अभी मैंने मारी 40 पुशअप्स। चिन अप्स मुझसे लग नहीं रहे तो उसके लिए लेग पुल डाउन मारो। अगर चिन अप्स आपको बढ़ाने हैं, अच्छे स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि उसके लिए स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो रखी है, तो उसके लिए यह है कि लेग पुल डाउन की एक्सरसाइज करो, हल्के हल्के आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, उसके बाद आप चिन अप भी कर सकते हैं। बाकी थोड़ा आपकी ग्रिप की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी तो हल्के हल्के खुद हो जाएगा। जैसे जैसे वेट उठाएंगे आप तो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। तो पिंकू का वार्म अप भी हो गया और अब मैं एक एक दो दो एक्सरसाइज करूँगा हर पार्ट की। लेग की मैंने कल कर ली थी, थोड़ा थोड़ा हर पार्ट की एक्सरसाइज करूँगा। और सैटरडे को आप देख सकते हैं जिम की हालत क्या रहती है, बिल्कुल अभी सब कार्डियो कर रहे हैं और जिम पूरा खाली है। तो मैं आपको एक देखो, मैं आपको केवल यही बोलूँगा कि आपको लेग की एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है अपर बॉडी की तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे आप, लोअर बॉडी में लेग्स की एक्सरसाइज आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है। तो मैंने कल ही वो एक्सरसाइज कर ली थी, वैसे सैटरडे को करनी चाहिए ताकि आपकी ढंग से रिकवरी हो जाए, बट मैंने कल कर ली थी। रीज़न ये है कि आज मेरा कुछ था प्लान, हो सकता था मेरा स्किप हो जाता, इसलिए मैंने लेग डे स्किप नहीं करा और कल ही वो एक्सरसाइज कर ली थी। अभी मैं मिक्स करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइज मैं करता हूँ। सबसे पहले मैं चेस्ट की एक्सरसाइज करूँगा, ठीक है? फ्लैट बेंच में डंबल से बेंच प्रेस। तो रिस्ट बैंड हमेशा पहनना है यार, क्योंकि वेट उठाते हुए कभी इंजरी हो जाए कुछ, क्योंकि मेरे एक्चुअली सच में सच बताऊँ तो मैं आपको, मेरी इंजरी हो भी रखी है यहाँ पर इस जगह में और वो अभी तक रिकवरी नहीं हुई, बहुत टाइम हो गया। तो जब भी मैं ये वाला मूवमेंट करता हूँ, इस टाइप का कुछ मूवमेंट होता है, तो मेरे यहाँ पर पेन होता है, तो इसलिए मैं हमेशा ये पहनता हूँ। और बेल्ट हमेशा पहनना, लेग्स की एक्सरसाइज करोगे स्पेशली तो बेल्ट हमेशा पहन, चाहे लाइट वेट हो या हैवी वेट हो, बॉडी भी बनानी है और इंजरी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो अब मैं करता हूँ 10 किलो के डंबल से करूँगा मैं, 10 केजी के डंबल स्टार्टिंग के लिए बहुत है। दो तीन साइड मारेंगे इसके,
10 किलोमीटर प्लस रखा क्योंकि भैया स्किप करा हुआ था बहुत टाइम से, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि 3-3 सेट कर लूँगा। तो आज का वर्कआउट हो गया है डन डन डना डन डन। और इनकी हालत देखो, ऐसे लग रहा है बस नहा गए हैं। ये है इनकी हालत और ये है मेरी हालत, तो दोनों की हालत हो चुकी है ख़राब। अब कल संडे तो रेस्ट होगा बढ़िया, ठीक है। अब घर जाने वाले हैं, डाइट लेंगे। और मज़ा आया? मज़ा आ रहा है। तो चलिए आज का इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। और बेसिकली हमने जिम का ही दिखाया, तो आज कल हमारा फोकस ही जिम है। और चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।